ये जो टी शर्ट है ना, ये टी शर्ट एक दिन मेरे हाथ में, ये टी शर्ट का बाजार में मूल्य कम से कम 200 से सवा 200 है। कितना है बाजार में? 200 से सवा 200 का, और आपको कितने का दे रहे हैं? 50 रुपए का। बाकी पैसा कौन वहन कर रहा है? संगठन। और ये 50 रुपए भी इसलिए ले रहे हैं कि नहीं तो फिर क्या होता है, होड़ लग जाती है। जैसे वो मुफ्त में कहीं पर भी जैसे प्रसाद बट रहा हो, तो योग्य कार्यकर्ताओं तक ये पहुंचे। ये पहले बनियान छपवाई थी, जो पहले युवा भारत के कार्यकर्ताओं के पास थी ना, खड़े हो ना, वो पहले बनियान थी। ये देखो ये बाहर सामने खड़ा है बेटा, ये पहले जो छपवाई थी, खड़े हो जाएंगे, ये बनियान थी जो आपके पास में। और ये क्या है? ये टी शर्ट। अब ये कॉलर वाली, अब इसके पहनने के बाद आपको दूसरा कपड़ा पहनने की जरूरत, बस शाम को आकर के धो लेना और सुखा देना, फिर अगले दिन सुबह पहन के चलते, धो करके झाड़ देना, ऐसे प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही करते थे हम भी, ऐसे ही करते थे राजीव भाई जी भी ऐसे करते थे, कभी प्रेस बस। और ये इसलिए इसमें प्रिंटिंग अच्छी आए और धुलाई अच्छी हो जाए, बाद में प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इसमें कॉटन के साथ थोड़ा सा पॉलिएस्टर मिलाया है, जिससे कि प्रिंटिंग की जो है क्वालिटी बहुत अच्छी आए और इसकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, इसके लिए किया है। तो आप सबको ये संगठन की तरफ से एक एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक एक कलर प्रिंटर, एक एक मोबाइल, इंटरनेट का कनेक्शन, पूरा जो है सॉफ्टवेयर काम करने के लिए, एक ही तरह से सब काम करें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, फिर एक एक कार्यकर्ता को ये अंगवस्त्र, बैच, झोला, प्रचार की सारी सामग्री, स्टीकर, झंडा। एक एक जिले में कार्यकर्ता कितना? 1000। मैंने 50 सालों की तैयारी बताई ना, एक जिले में 1000 कार्यकर्ता और देश में 1000 सन्यासी। ये जाने से पहले दे करके जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद कितने सन्यासी चाहते थे? 100। और महर्षि दयानंद ने कहा मेरे जैसे सैकड़ों सन्यासी होंगे तब ये देश, धर्म और संस्कृति बचेगी। तो हमने सैकड़ों से अब ले आए कितने पर? 1000 पर। अपने जैसे 1000 से ज्यादा सन्यासी, विद्वान सन्यासी, वेदज्ञ सन्यासी, योगी सन्यासी, चरित्रवान सन्यासी, बलवान प्रज्ञावान सन्यासी, जो सन्यासी जहां खड़ा हो उसके पीछे दुनिया खड़ी हो जाए, उसके कदमों के पीछे लोग चलने पड़े, ओ जिधर से चले उधर रास्ता बन जाए, वो जो करे ना मन का वो इतिहास बन जाए, ऐसा सन्यासी। ये सन्यासी भी तैयार करेंगे, 1000 से ज्यादा अपने जैसे सन्यासी भाई बहन, और एक जिले में 1000 से ज्यादा देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले कार्यकर्ता भाई बहन, ये दोनों काम तैयार करने। और ये काम तो मैं आने वाले 5 ही वर्षों में कर दूंगा। कितने में? बाकी तो सब बोनस में रहेगा। 50 वर्षों की तैयारी कितने दिन में? 5 वर्षों में पूरी तैयारी। हाँ, मुझे धीरे चलना नहीं आता, अब क्या करूं? सीढ़ी भी चलता हूं तो लोग गिनते रहते हैं, बाबा 2 सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? मैंने कहा क्या करूं, एक एक पर चढ़ा ही नहीं जाता। मैं चलता हूं तो लोगों को दौड़ना पड़ता है, बोलो बाबा इतना दौड़ते क्यों? मैंने कहा इससे धीरे चला ही नहीं जाता, स्पीड बंधी हुई है। भैया ऐसे धीरे चलता तो फिर तो अलीपुर से शहबाजपुरी पहुंच पाता, फिर नागपुर नहीं पहुंच पाता अलीपुर से। अलीपुर से नागपुर पहुंचा हूं तब मन में एक जिद है, एक जोश है, एक जनून है, एक संकल्प है, एक संकल्प है कि अब तो इस भारत को ऋषियों का देश बना करके ही दम लेना है। इस धरती पर भगवान का साम्राज्य, उस खुदा का, अल्लाह का, ऑलमाइटी गॉड का साम्राज्य कायम करना है। तो इस काम में साथ दोगे? तुमको तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें तुम्हारी कसम और तुम्हें मेरी कसम, जो संकल्प लिया है उससे पीछे,
जो संकल्प लिया है उसको पूरा बोलेंगे। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। ये हमारी पावनी संस्कृति है। आप सब भाई बहन इतनी दूर दूर से जब बुलाता हूं तब दौड़े चले आते हो। लोग कहते हैं बाबा जी भरोसा खत्म हो रहा है। मैं कहता हूं मैं तो भरोसे से ही आज यहां तक खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ता रहूंगा जब तक दम में दम है। आप भाई बहन कितना कष्ट सह करके यात्रा का कष्ट, न खाने की न पीने की न सोने की परवाह। भाई बहनों अभी भी 2014 से पहले पूरे देश में सब जगह थोड़ा थोड़ा समय जरूर दूंगा और एक एक दिन में मैंने सुबह 5 से 7 शिविर फिर दोपहर के शाम के कार्यक्रम मैंने संकल्प किया है कि 18-18, 20-20 घंटा मुझे मतदान के अंतिम दिन तक पुरुषार्थ करना है। आप लोग मुझे रात दिन इस काम में लगा हुआ देखते होंगे, थोड़ी तो दया तो आती होगी ना? आती है ना? जोर से बोलो ना। बोले बाबा जी आप पर दया थी इसीलिए तो तरस आता है क्या? बाबा जी हमारे ऐसे पागलों की तरह लगे हुए हैं तो हमको भी थोड़ा लगना चाहिए। ये सब बहने बहनों के लिए सरल नहीं होता काम करना। घर से बाहर निकलती है एक भरोसे के ऊपर कि बहने हमारे गुरु के पास जा रही हैं, हमारे योगी सन्यासी के पास जा रही हैं, तो हमारी बहने सुरक्षित हैं। आज तक लाखों बहनें पतंजलि योगपीठ में आई हैं, एक भी मां बहन बेटे की इज्जत के ऊपर हमने हाथ नहीं आने दी।